हिंदी सिनेमा जगत के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में बस गए हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद हर एक दिल उन्हें याद कर रहा है। 30 अप्रैल को जब उनके निधन की खबर आई तो यकीनन हर आंख नम हुई, हर एक दिल रोया। ऋषि कपूर के निधन के बाद उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। उनके परिवार के सदस्यों की निजी जिंदगी से जुड़ी कई तरह की बातें चर्चे बटोर रही हैं और इन्हीं सब के बीच ऋषि कपूर के साथ साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री पायल घोष भी कुछ ही तस्वीरों की वजह से इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें, पायल घोष ने ऋषि कपूर के साथ ही अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में की और वो उनके निधन के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चे बटोर रही हैं। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। पायल की ये खूबसूरती उन्हें चर्चा में ला चुकी है। पायल के इस मेकअप की खास बात ये है कि उन्होंने ये मेकअप किसी आर्टिस्ट से या ब्यूटिशियन से नहीं करवाया, बल्कि घर में रहते हुए उन्होंने अपना ये मेकअप खुद ही किया है। आपको बता दें, पायल एक अच्छी एक्ट्रेस हैं ही, साथ में खूबसूरत मेकअप करके अपना एक और टैलेंट लोगों के बीच वो दिखा रही हैं। कोरोना की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के चलते घर में रहकर जहां एक तरफ अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर जैसी अभिनेत्रियां यहां पर बाल काटने का हुनर दिखा रही हैं, वहीं पायल घोष ने मेकअप करने का टैलेंट अपने फैंस को दिखाया है। आपको बता दें, पायल उन बेहद खुशनसीब अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें ऋषि कपूर ने अपनी फिल्म से लॉन्च किया। ऋषि कपूर के प्रशंसक भली भांति जानते हैं कि उनके नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा नई अभिनेत्रियों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा जब कहा, उस दिन पायल भी बीमारी से जूझ रही थी। पायल को मलेरिया हो गया। ऋषि कपूर के बारे में बात करती हुई पायल कहती हैं, मैं ऋषि कपूर को देखने हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी। फिलहाल पायल एकदम ठीक हैं। लॉकडाउन में इस समय अपना वक्त बिता रही हैं, अपना टैलेंट दिखा रही हैं और ऋषि कपूर को याद भी कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।